मुस्लिम दबंगों की दबंगई सता रहे हिंदू परिवार को पीड़ित ने लगाई थाने में न्याय की गुहार। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 27 सितंबर 2020 को कुड़वार थाना क्षेत्र के ग्राम रैंकडीह के रहने वाले वीरेंद्र कुमार वर्मा सुतराम अचल वर्मा ने बताया कि आज दिनांक 27 सितंबर 2020 को हमारे छोटे भाई की पत्नी संगीता वर्मा, पत्नी जितेंद्र कुमार वर्मा खेत पर जा रही थी कि रास्ते में खड़े मोहसिन सलमान आदि लोगों ने छींटाकशी करनी शुरू कर दी। जब मैंने देखा तो इसका विरोध किया तो उन दबंगों को नागवार गुजरा। उन्होंने दो लोगों को और बुलाकर, जो कि वह भी मुस्लिम समुदाय से थे, जिनका नाम सनाउल्ला और मुस्लिम, आ गए और मुझे लाठी डंडों से मारने पीटने लगे तो मेरा दांत टूट गया और होठ फट गए। इसी बीच पिज्जा करने पहुंचे हमारे पिता राम अचल वर्मा को भी उन दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट की। इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए, तब उन दबंगों ने कहीं जाकर हमें छोड़ा। इसके बाद भी जान से मारने की धमकी दी और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी और धमकी देते हुए गांव से निकल गए। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद वर्मा है, सना राम अचल वर्मा। मैं ग्राम रंकेडी का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? सर, आज सुबह में हमारी भाभी बाहर निकली खेत जाने के लिए, तब मोसिम नाम के एक युवक और उनका चाचा का लड़का सलमान मेरी भाभी के साथ छींटाकशी करते नजर आए, तो मेरे छोटे भाई ने उन्हें ये करने से मना किया। तब उन लोगों ने मेरे भाई को मारा। मेरा भाई इधर है जो मेडिकल के लिए यहाँ आया हुआ है, और बीच बचाव करने के लिए जब हमारे पिताजी आए तो पिताजी को भी मारे हैं। बेरहमी से इनके पैर फ्रैक्चर हो गया है और भाई के नाक और आँख, नाक और दांत से खून आया है, मुंह से खून आया है, जिससे कमर पे भी काफ़ी चोटें आई हैं, पैर में भी चोटें लगी हुई हैं। दूसरा हमारा भाई, जिनकी वाइफ थी, जिनको लोग छेड़ रहे थे, मारे इसलिए कि जब मेरे भाई भाभी वहाँ से निकली तो ये छींटाकशी कर रहे थे और मेरे भाई ने इस चीज़ को देख लिया, और उसके बाद जब वो मना करने गया तो ये लोग मेरे भाई को मारने लगे, और उस बीच बचाव में जब मेरे पिताजी पहुँचे तो उनको भी मारे। मेरा एक दूसरा भाई जिसका नाम जितेंद्र वर्मा है, वो भी पहुँचे, उनको भी कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे काफ़ी चोटें आई हैं। सर, मैं